खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नौशाद साहब के मुताबिक संगीत है शक्ति ईश्वर की, संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे है राग, रागी जो सुनाए राग मधुर दो की मुझे आराम। सबको आराम कर ये चार लाइनें लिखी है नौशाद साहब। संगीत की दुनिया में उस्तादों का ऐसा मानना है कि भूखा पेट से गाता है, भूखा पेट से गाता है, भूखा गले से गाता है, भूखा पेट से, झूठा गले से और सच्चा दिल से। डॉक्टर साहब दिल से गाए, गाना दिल से होता है, इसे ही कोई गीत कहते हैं। लता जी के बारे में एक दो बातें बताता हूं। बिल्कुल पूरे का पूरा मामला दिल वाला है, कोई कमाई के लिए नहीं किया गया है, पता चलता है। पूरे का पूरा मामला दिल वाला है, कोई कमाई के लिए नहीं किया गया है, पता चलता है। मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अरुणा नाम है, मैं लाइफ एंड फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। आज मैं यहाँ पे डॉक्टर अपर्णा जी के शो में आई हूँ। उन्होंने लता मंगेशकर एक थी है और रहेगी, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया और जितने भी पुराने लता मंगेशकर के जो हिट गाने हैं उन्होंने आज गाया और हमें बहुत अच्छा लगा, हमने रियली इन्जॉय किया। हाँ, मुझे लगता है कि मुझे बोलने से ज़्यादा, क्योंकि लता जी की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, दो लाइन उनके लिए समर्पित फॉर लता जी। न जाने क्यों दिल से ये आवाज आई, मिलन से है बढ़ के तुम्हारी जुदाई, इन आँखों के या सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं नीता देसाई, को फाउंडर ऑफ लाइफ एंड फाउंडेशंस। मैं डॉक्टर अपर्णा को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने जो अनमोल नगमे गाए हैं स्टेज पे, जो हमने सुने नहीं थे कभी, मैं उनसे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत आज खुश हूँ यहाँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भारती छाबरिया है। मैं फैशन डिज़ाइनर, लेबल 9 फिगर्स और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज की शाम के लिए मैं पूरी तरीके से स्पीचलेस हूँ। एक थी और रहेगी, इसका एक बेहतरीन मिसाल आज डॉक्टर अपर्णा ने यहाँ पेश किया है। कुछ लेजेंड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा ही हमेशा अलाइव होते हैं, इनकी मिसाल हमें आज दिखाई दी। लता जी एक ऐसी लेजेंड हैं
उन्होंने जो भी गाने गाए हैं हमारे दिलों में बसे हुए हैं और उनकी छाया हमें आज दिखाई दी डॉक्टर अपर्णा की। डॉक्टर अपर्णा, हम आपको दिल से बधाई देते हैं कि इस तरीके से खूबसूरत नगमे हमेशा गाते रहिए और लता जी की याद को हमेशा यूं ही गुनगुनाते रहिए। थैंक यू सो मच। और आपको पुष्कर जी धन्यवाद देता हूँ, आज दिल बहुत खुश हो गया लता जी की एक परछाई अपर्णा जी के रूप में देखकर। बहुत बेहतरीन सॉन्ग्स उन्होंने गाए और ऐसे नगमे सुनाए जिससे आज फिर से नई ताजगी जैसा महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मुकेश वाड्या, हेल्थ वेल्थ का फाउंडर हूँ मैं और काफ़ी समय से मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ और आज सच में एक बेहतरीन प्रोग्राम देखने को मिला और बहुत सारे नगमे डायमंड आज चुन के जा रहा हूँ मैं, जिसका असर मेरी ज़िंदगी में रहेगा। थैंक यू। हाँ, मेरा नाम नेहा मेहता है, आई एम अ फैशन मॉडल एंड एक्टर। आज के दिन मैं सबसे पहले शैलेश जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने हमें ये शो का हिस्सा बनाया, जो शो का नाम है एक थी है और रहेगी लता मंगेशकर की, जिनका नाम सुनते ही हमें एक प्राउड फील होता है, जिसके प्रोग्राम में हमें आज शामिल किया गया और हमारा सौभाग्य है कि हम उनका हिस्सा बने। और जो पुराने सॉन्ग जो गाना गाया गया वो हमें बहुत ही एक अच्छा प्राउड फील कराते हैं कि हमारे देश में एक लता मंगेशकर जैसी एक सिंगर है जिनका हम एक हिस्सा है। थैंक यू सो मच। फाउंडर प्रेसिडेंट शेड फाउंडेशन की, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये प्रोग्राम में बुलाया गया जहाँ पे लता मंगेशकर जी को याद किया गया और डॉक्टर अपर्णा ने बहुत अच्छा से उनको सामने उनका पेश किया गया। और मैं शैलेश जी का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि ऐसे प्रोग्राम में हमें बुलाकर इज्जत अफजाई दी। और मैं बहुत खुश हूँ कि एक थी है और रहेगी, वो हमेशा ही रहेगी, लता मंगेशकर जी हमेशा हमारे साथ बनी रहेगी। थैंक यू। नमस्कार सबको, मैं स्वर्णलता एजुकेशनिस्ट, मुझे इधर आके बहुत अच्छा लगा। एक थी और एक रहे, एक थी और रहेगी, ऑफकोर्स रहेगी, ये तो हमको सोचना ही नहीं है, ये तो दुनिया में ऐसे रहेगी जैसे हमें कभी एक थी बोलना ही नहीं आता है। ये वेरी थैंक यू। मैं शैलेश जी को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ और डॉक्टर अपर्णा ने जो आज जो प्रोग्राम रखा है और हमको एज अ गेस्ट बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम वो करती रही, शैलेश हमें बुला दे रहे, यही मेरे इच्छा है। थैंक यू सो मच। आज का प्रोग्राम इतना अच्छा था और डॉक्टर अपर्णा ने जो इनिशिएटिव लिया है स्पेशल बच्चों के लिए, म्यूजिक थेरेपी के लिए, तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट और एंड थैंक यू वेरी मच शैलेश जी फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच, मुझे शैलेश जी ने बुलाया। वैसे लता जी तो मेरे फेवरेट है और मैं रोज़ उनके गाने सुनती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टू स्टे हियर। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम रूपाली गजाकोश है, मैं रुपन फाउंडेशन के डायरेक्टर हूँ। करीबन देखा जाए तो ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग प्रोग्राम है, एक म्यूज़िक प्रोग्राम है जिसको मैं अटेंड कर रही हूँ। वेटरन सिंगर लता मंगेशकर जी के ऊपर ये सारे सॉन्ग्स जो डॉक्टर अर्चना जी ने गाए हैं बहुत बेहतरीन है, जस्ट वन वर्ड, टेरिफिक, एक्सीलेंट प्रोग्राम रहा है। और ऑफकोर्स लता जी हमारे दिल में है, हमेशा रहेगी, एंड थैंक यू शैलेश जी आपने बुलाया उसके लिए, धन्यवाद। थैंक यू शैलेश जी और नेहा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। मैंने भी फर्स्ट टाइम कॉन्सर्ट अटेंड किया है लेकिन बहुत अच्छा था और बहुत ही सुंदर प्रोग्राम था। थैंक यू। कोविड के बाद ये लाइव प्रोग्राम देखने में बहुत मज़ा आया। डॉक्टर अपर्णा जी ने जो लता दीदी के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पण की, वह एक थी है और रहेगी, हमेशा रहेगी। थैंक यू। मैं रश्मि महाजन स्मृति फाउंडेशन की तरफ से सबको धन्यवाद देती हूँ। जी, पहले तो आप सब मीडिया पर्सन जी, कार्यक्रम के बारे में मेरे पास अल्फाज नहीं है। ऐसे कार्यक्रम में मेरी बेटी, मेरी बहू ने मुझे इनवाइट किया, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। ये ऐसे प्रोग्राम 500,000 रुपये का टिकट खर्च के भी नहीं मिलते। पॉपुलर गाने लोग सुनते हैं, जो आम 200-400 गाने प्रचलित हैं, वो जो गाना इन्होंने गाया
सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या क्या किया। मधुबाला गाती हैं पिक्चर एक साल में, ऐसे गाने स्टेज पे कभी आप सुनेंगे ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, और लोग उसको पसंद भी नहीं करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। क्यों? जो टिकट लेके आते हैं वो एंटरटेन करने को आते हैं, अपने आप को खुश करने को, और ये जो दिल से बुलाए और दिल से आए लोग, ये मामला ही अलग है। डॉक्टर साहब को मुबारक है। आप यकीन मानिए, मेरी पसंद के प्रोग्राम मुझे कहीं नहीं मिलते, इसीलिए मैं अपने घर में खुश हूँ। मैं अपने घर में सफल हुए सर, आप सफल रहा कि आप यहाँ आके कुछ अच्छा देखा। बिल्कुल, इतना अच्छा देखा कि मैंने कहा 500 रुपये का टिकट लेके भी वो गाने नहीं मिलते थे। देखिए, मैंने अंदर कहा ना, ये दिल का मामला है। आजकल प्रोग्राम होते हैं दिमाग से, कौन सा म्यूजिशियन, कौन सा कीबोर्ड प्लेयर, अरे वो नहीं, सस्ता बुलाओ, महंगा बुलाओ, ये करो वो करो। प्रवीण पाठक एक माना हुआ नाम है। ये सब लोग जो हैं ये मास्टर लोग हैं, क्या इनकी उंगलियां चलती हैं, देखा आपने? ये अलग मामला है, इनको ही पूछ लीजिए। सब जगह वो ही पॉपुलर गाने हैं, हाँ, पर ये जो गाने हट के आए हैं, इन्होंने तबीयत खुश कर दी। वरना मैंने इसको बोला था बबीता को कि हम लोग एक आधा पौना घंटे में उनको बोलना सामान करके निकल आए, तो मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा माहौल है। और इसने मुझे वो इनका पोस्टर भेजा, फिर मैंने यूट्यूब पे इनका एक लासी का प्रोग्राम देखा जिसमें प्रवीण भी थे, नंदू केरकर भी थे बजाने। आज मैं आपको नंदू समझ रहा था, आपका लैपटॉप पे चेहरा छुप रहा था, तो मेरे साथ नंदू ने बहुत काम किया है, हमने वो एक साथ काम किया है काफ़ी। तो सर मुबारक है, ऐसे प्रोग्राम नहीं होते, वो पैसे के लिए होते हैं, मुझे क्या मिलेगा। और आजकल तो जो मुझे क्या मिलेगा वाली चीज़ है वो और चल पड़ी है। लोग एक 20-25 सिंगर इकट्ठे करते हैं, उनसे 2-2, 3-3 हज़ार रुपया ठग लेते हैं, सीधी बात, 50-60 इकट्ठा करते हैं और 20-30 खर्चा करते हैं, 20-30 बचा लेते हैं। उनको कोई मतलब नहीं कोई कैसा गाता है क्या गाता है, ठीक है, जो पैसा देता है वो गायक है। असल में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऑडिशन, क्यों, गाने वाले घर घर में पैदा हो गए इस कराओ की वजह से। जो अच्छे गायक हैं उनको चुन के ले लो ना, वो पैसे भी देंगे, ऐसी बात तो कुछ नहीं है। पर वो उनको संगीत से लेना देना नहीं है, संगीत से लेना देना इन जैसे लोगों को है। इनकी सिलेक्शन देखो और इनकी डेडिकेशन देखो, पूरा शो खुद चला रही हैं, खुद होल्ड कर रही हैं और लता के लिए रो भी रही हैं। मतलब देखिए, ये फरवरी के बाद मैंने कहा मैं 10 बार रोया हूँ लता के लिए, मैं नहीं जाना चाहिए था, अभी नहीं जाना चाहिए, मेरे बाद जाती ठीक था। पर ये कुदरत का एक नियम है कि ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने संगीत को जिंदा रखा हुआ। बहुत कमाल के गाने, कमाल का प्रोग्राम, बहुत अच्छा, मुबारक सबको, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया, तबीयत खुश हुई। बोला है ना, मतलब ये मैं महसूस कर सकती हूँ, क्योंकि आप जैसे कदरदान, अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऐसे ही ऑडियंस चाहिए, इसके लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ। देखिए, मैं आपको समझेगा, मैं राज खोलूँ, इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि मेरे पिछले जन्म के कुछ कर्म अच्छे हैं। हाँ, आप हमेशा जो बहुत तैयार लोगों के जो साथ मुझे नौशाद साहब के जिंदगी के आखिरी 15 साल मैं उनके चरणों में रहा हूँ, उनके साथ। मेरी समिति में आप आगे देखेंगे तो चारों साइड लता जी, चारों साइड नौशाद जी, चारों साइड रफी साहब, हाँ। ये सारे जो हैं मेरी जान हैं, और मुझे मालिक ने एक जगह दे रखी है जिसमें मैंने समिति बनाई है, नौशाद संगीत समिति। आप यकीन मानिए, इस सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को मैंने सिर्फ लता जी के गाने गाए 38, सिर्फ पुराने गाने लता जी के। और आपको एक जानकारी इम्पोर्टेंट और भी दूं, शायद लोगों को इसका फ़ायदा मिले, मैं लता जी के 6 वीडियो बना रहा हूँ। हर महीने का पहला संडे लता जी के नाम है, वो वीडियो 5 बजे प्रीमियर यूट्यूब पे भी है और हमारे यहाँ भी है, काका जेपी नौशाद संगीत समिति, और 6 के 6 वीडियो ब्लैक एंड वाइट। अच्छा,
आज के दौर में, और कोई वीडियो 4-5 घंटे से कम का नहीं है। फिर भी लोग नहीं, यूट्यूब पे है ना। हाँ। वो तो किताब जिसको जितना टाइम मिले उतना देखिए, और पूरा देखना है तो संडे 4 बजे हमारे यहाँ पधारिए। अच्छा, अच्छा। और गाना है सैटरडे को आइए, हमारे यहाँ वही गाने होते हैं जो मैडम ने गाए। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं बहुत थोड़ी सी कम शब्दों में एक अंदर की बात बता रही हूँ। मुझे हुआ था कोविड, थोड़ा 2 दिन पहले लता जी को हुआ था, बाद में मुझे हुआ, तो मैंने सोचा मैं फटाफट गाना लिखती हूँ, उनको ठीक हो जाने तक मैं भी ठीक हो जाऊँगी, जाके सुना दूँगी वो जो गाना मैं रोई आप खुल रहे। और लता जी अपने साथ इस तरह है अब गीतों के द्वारा, तो मैं बहुत दुखी हो गई। इतना ही नहीं था, कोविड में 2 साल बहुत गाना मेरा सा, मतलब गाना मन में तो हमेशा चला, लेकिन प्रोग्राम वगैरह सब बंद था, सारी दुनिया ही बंद थी, तो मुझे कोविड में थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ, मुझे लगा अब मैं भी जा रही हूँ। और इतना लो फील हुआ कि मैं गिर गई चक्कर आके बहुत बार, और मैंने सोचा अभी मैंने इतना जो रियाज खजाना पेट में रखा है ये गाने में कब गाऊँगी, लगता मैं भी चली। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं नहीं तू गाएगी तो ठीक हो जाएगी, तू कर, मैं तुझे सपोर्ट करता हूँ, तुझे आके दीनानाथ बुक कर ले, पहले डेट फिक्स कर। जैसे डेट फिक्स होती है ना, मेरे में जान आ जाती है कि अभी गाना है। ओ बोले चल तू ठीक हो गया, अभी तू तेरा देख ले। मेरे डैडी के मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं जब यहाँ आई तो 17 में छोड़ के कोई डेट ही नहीं, तो जब हम पहले मम्मी के याद में जो हमेशा मैं प्रोग्राम करती हूँ तो 22 मार्च को करती हूँ, 17 मई को करते थे हम, और 14 सितंबर। तो मैंने सोचा चलेगा, मम्मी का आशीर्वाद है, लता जी के साथ है, अपन हो जाने दो, तो मैंने ये प्रोग्राम आयोजित किया। और मुझे सबसे पहले जो नाम आया कि म्यूज़िक के लिए मैं किसे बुलाऊँ, तो मैंने किक्की दा को बुलाया। बहुत सारे हैं मेरे अपने, लेकिन मैंने इनको इसीलिए बुलाया, ये बहुत समझते हैं कि मैं जो लिस्ट ऐसी उल्टी सुलटी निकालती हूँ, ये सब लोग समझते हैं कि ये पगली है अपर्णा, मतलब थोड़ी पगली है संगीत में, मेहनत करते हैं ना। तो ये सब जानते हैं, होता है ना। तो इनको मैंने बुलाया, और ये अब मेरे बड़े भाई है, मेरे साथ हमेशा रहेंगे, हर प्रोग्राम में रहेंगे। बहुत पहले भी हम 4-5 इवेंट साथ कर चुके हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा संगीत का सिलसिला। बस बहन का साथ मिले और क्या चाहिए भाई को। ये गाती रहे, हम करते रहेंगे काम, और कुछ नहीं है बस ये। जी बस इतना इन सब ने कह दिया, अब मेरे लिए कुछ बचता नहीं है सिवाय शुभकामनाओं के। डॉक्टर अपर्णा जी, आज आपने जो इवनिंग मेलोडियस बनाई है, हम सबको यहाँ बुला के यादगार रहेगी, और बेस्ट विशेस, जल्दी आप और प्रोग्राम करिए, और हम आपको सुनने आए। जरूर आएंगे जी, जरूर आएंगे। और क्योंकि एक बात मैं भी भूल गया बतानी, अच्छे सुनने वाले जिनको म्यूजिक लवर कहते हैं वो दुनिया में बहुत कम हो गए। शोर शराबा सुनने वाले, रंबा संबा सुनने वाले, एयर कंडीशन को पसंद करने वाले बहुत हैं। अच्छा संगीत जैसा आज डॉक्टर साहब ने पेश किया, ऐसा सुनने वाले भी कम हैं। रंबा संबा, जय जय शिव शंकर और एयर कंडीशन को पसंद करने वाले बहुत हैं। थैंक यू सर।